ऑफ रिसोर्सेस, फर्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। क्या है डेवलपमेंट रिसोर्सेस? लुक एट द पेज नंबर इज 3 एंड रिसोर्सेस आर वेटल आर फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब पहले लोग कैसे रहते थे, पहले लोगों का जो हालचाल था वो अलग था, आज डेवलपमेंट हो गए तो उनका जो लाइफ है वो चेंज हो गया है। एंड इट वॉज बिलीव्ड इन दैट रिसोर्सेस फॉर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। लेकिन उसके वजह से जब से जैसे डेवलपमेंट आ रही है वैसे वैसे जो हमें गॉड ने गिफ्ट दिया है नेचर से, हमें अलग अलग रिसोर्सेस दिए है, उसका हम ज्यादा से ज्यादा यूज करने से मेजर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगे। जैसे कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड फॉर फ्यू इंडिविजुअल्स, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस फ्यू हैंड्स विच टर्न डिवाइडेड सोसाइटी इंटू टू सेगमेंट्स हैव नॉट रिच एंड पुअर। मतलब अमीर और गरीब में ये रिसोर्सेज बांटे जाने लगे, जो ज्यादा रिच पर्सन है उनको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस मिलने लगे, जो पुअर पर्सन है उनको तो कुछ नहीं मिलते। एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बीन ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज द ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन जोन रिड्यूस हो रहा है, मतलब ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स रोड पे भाग रही है उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है एंड इक्वेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। फ्यू इंडिविजुअल कंट्रीज कंटेन्स इन फ्यूचर अवर प्लेनेट इन द डेंजर्स। तो ये हमारी अर्थ है वो क्या हो गई, डेंजर्स होने। तो क्या है देयर फॉर नेक्स्ट टाइप है पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या है सस्टेनेबल, देयर फॉर द रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपोनेंट्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट डिफाइन एज द डेवलपमेंट ऑफ शुड टेकन प्लेस विदाउट द डैमेजिंग ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब हमें क्या है जो नेक्स्ट जो कुछ नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिसोर्सेस बचा के रखना चाहिए। हम जो रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं वो हमारी लालच की वजह से हम बहुत सारा रिसोर्सेस आज ही आज के समय आज के टाइम पे ही हम क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, उसके वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, तो उस समय रियो डी जानेरियो अर्थ 1992 में उन्होंने मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्समेंट्स रियो डी जानेरियो इन ब्राजील, जो ब्राजील में उन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट एंड दिस समिट वॉज कन्वेन इन एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल। तो उन्होंने क्या किया, सब 100 स्टेट्स मतलब 100 जो कंट्रीज है उनको बुलाया ब्राजील में और उनको इस का अपना अर्थ बचाने के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ असेंबल लीडर को साइन करने को कहा। दिस डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस एंड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी द रियो कन्वेंशन दिस ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड इन एजेंडा 21। तो क्या है एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 क्या है 1992 में
जो एजेंडा 21 जो 1992 में जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, उन्होंने विदाउट डैमेज एनवायरमेंट पॉवर्टी डिसेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सबको जो रिसोर्सेस है वो मिलनी चाहिए, हर किसी एक ही कंट्री को नहीं, हर रिच पर्सन हो, अमीर पर्सन हो या पुअर पर्सन हो, गरीब हो, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। यह है एजेंडा 21। तो रिसोर्स प्लानिंग, तो सबको बराबर मिलना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ता है। ऐसे तो नहीं है चलो जितने चाहिए उतना ले लो, इसको कोई दे दो उसको दे दो, ऐसे तो नहीं है, उसको तो प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। तो प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर द जुडिशियस यूज रिसोर्सेस, इट इज द इम्पोर्टेंस इन द कंट्री लाइक इंडिया व्हिच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस। जैसे कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग कुछ रिसोर्सेस है, तो जैसे हमारे इंडिया में जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, रिच मिनरल्स, कोल मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। राजस्थान इज वेरी वेल एंडोड द सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैकिंग वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान में सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत है लेकिन वाटर नहीं है। इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज डिफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम विटल मिनरल्स, एंड दिस कॉल्ड बैलेंस रिसोर्सेस प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। मतलब ये जहां पे कोई ज्यादा मिलता है तो वहां वो क्या करे, दूसरे स्टेट को दे। जैसे कि मैंने कहा जो राजस्थान में सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है लेकिन वाटर रिसोर्स नहीं है, वाटर रिसोर्सेस ना होने की वजह से वहां पे हमें क्या करना चाहिए, वाटर लेना चाहिए। तो रिसोर्स ये क्या है, रिसोर्स कैसे किया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तो इंडिया में कैसे प्लानिंग किया है, तो चलो देखते हैं हम। तो क्या है, रिसोर्स प्लानिंग में लेकर हमने जो सबको मिलना चाहिए, तो इस प्लानिंग के बारे में इंडिया ने कैसे प्लानिंग किया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो रिसोर्स प्लानिंग इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विद द इन्वॉल्व, इंडिया में प्लानिंग करना तो बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस, पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या कौन से स्टेट में, कौन से प्लेस में क्या है, कौन से रीजन में क्या है, वहां पे इन्वेंटरी देखनी पड़ेगी कितनी इन्वेंटरी है वहां पे, एंड दिस इन्वॉल्व्स सर्वे, मैपिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेस। मतलब पहला पॉइंट क्या है, वहां पे जितना कुछ है उसका सब डाटा क्रिएट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। तो वहां पे जो डाटा है वो क्रिएट करके हमें क्या करना चाहिए, उसका प्लान करना चाहिए, एंड मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। मतलब अलग जगह पे वो सब नेशनल में काम काम करने वहां भी देखना चाहिए, एंड इंडिया हैज मेड कंसेंट्रेटेड एफर्ट एंड अचीविंग द ग्लोब गोल्स रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम फर्स्ट फाइव ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब ऐसे कब हुआ था, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था, तब पहला फर्स्ट फाइव ईयर प्लान लॉन्च किया था। तो जो रिसोर्सेस है वहां रिसोर्सेस क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे इंडिया में, मतलब वहां पे भी रिसोर्स प्लानिंग इंडिया उस टाइम ऑपरेट किया।
एंड दिस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन. जिस रीजन को अपनी कुछ रिसोर्स की जरूरत है वहां क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजता है. बट मेयर अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज इन एब्सेंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में एंड डेवलपमेंट. धीरे धीरे डेवलपमेंट में चेंज होता है, टेक्नोलॉजी में चेंज होता है. देर आर मेनी रीजन इन कंट्री आवर दैट रिच इन रिसोर्सेस बट दिस इंक्लूड इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स. कुछ रीजन्स ऐसे है उनके पास बहुत सारा रिसोर्सेस है लेकिन इकोनॉमिकली क्या है, अच्छे नहीं है. तो वो ये रिसोर्सेस वहां पे रहते हैं और इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी दीज आर सेम रीजन विच हैव पुअर रिसोर्सेज बेस्ड बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड. कुछ कुछ स्टेट ऐसे रहते हैं, रीजन ऐसे रहते हैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहते हैं लेकिन रिसोर्सेस कुछ नहीं रहते, दीज पुअर रिसोर्सेज. तो इसके बाद क्या होना चाहिए, सबको वो क्या होना चाहिए, हर स्टेट को रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. एंड दिस वॉज प्राइमरी इन द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प देम एक्सप्लॉइट रिसोर्सेस ऑफ द रीजन एंड एस्टैब्लिश दैट सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज. हर कॉलोनी को ये रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी. तो ये क्या है, ए डेवलपमेंट फॉर एक्टिविटी बट इरेशनल कंस्ट्रक्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. मतलब जो रिसोर्सेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो किसी को ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी को कम नहीं होना चाहिए. एंड टू ओवर कम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल एट इम्पोर्टेंट. तो हर लेवल में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने में इक्वालिटी होनी चाहिए. और गांधी जी ने भी कहा है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड. मतलब हमारी जरूरतें पूरे करने की क्षमता अपने नैसर्गिक रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस में है लेकिन किसी के लालसा कंप्लीट करने की क्षमता अपने नेचुरल रिसोर्सेस में अपने अर्थ पे नहीं है. सो दिस ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉइटिंग नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज टू रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल. तो ये हमारी लालसा हमारे विनाश का कारण बन सकती है. सो नेक्स्ट जो है लैंड रिसोर्स, लैंड रिसोर्सेस द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंड रिसोर्सेस. आपको तो मालूम है यहाँ पे देखिए ये हमारी अर्थ है. तो प्लेन एरिया 43%, माउंटेन्स 30% एंड प्लेट 27%. तो आपने देखा ये फिगर को लैंड रिसोर्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि प्लेन एरिया, माउंटेन एरिया. माउंटेन एरिया को हम प्लेन एरिया में नहीं कन्वर्ट कर सकते. तो प्लेटो एरिया कैसा है, प्लेन एरिया कैसा है. तो लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेस. हम लैंड प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, नहीं. लैंड इज नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ अपमोस्ट इम्पोर्टेंस इन सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम. ये सब के लिए लैंड क्या है, जरूरी है. देयरफॉर इंडिया हैज अ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलाइव फीचर्स मेनली माउंटेन्स एंड दिस प्लेट्यू. इंडिया इज प्लेट्यू इज 27%, इंडिया माउंटेन, इंडियन लैंड इज डिस्ट्रीब्यूट इन माउंटेन 30% एंड प्लेन एरिया इज 43%. इन पोसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट. तो लैंड यूटिलाइजेशन, इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन कैसे किया है, लैंड यूटिलाइजेशन. तो पहले तो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया
इंडिया में कैसे होता है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। तो पहले तो फर्स्ट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए कुछ लैंड रखनी चाहिए, नहीं तो अपना एनवायरमेंट क्या होगा, जो टेम्परेचर है बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, पॉइंट फर्स्ट, बैरन एंड वेस्ट लैंड, लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स मीन्स दिस परमानेंट पास्चर एंड ग्राजिंग लैंड। हम देखते हैं ना ग्राजिंग लैंड जो बड़ी रहती है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोस, एंड थर्ड कल्चरल वेस्ट लैंड, इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। फोर्थ पॉइंट इज हॉलो लैंड, करंट फॉलो, अदर देन करंट फॉलो, एंड फिफ्थ इज नेट सोइल एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन द एरिया एग्रीकल्चर, ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ए ग्रॉस क्रॉप एरिया। नेट सोन एरिया इज डिफाइन एज द एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ए ग्रॉस क्रॉप एरिया। मतलब एक साल में हम जितना एग्रीकल्चर में यूज करते हैं उसको ग्रॉस सोन एरिया। तो इंडिया में कैसे करते हैं लैंड यूटिलाइज यूज करते हैं, लैंड इज डिटरमाइंड बोथ फिजिकली फैक्टर्स सच एज द टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, एंड टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एंड दिस हाउएवर इज अवेलेबली ओनली फॉर 93% फॉर द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हैज नॉट बीन डन फुली। सम एरियाज जम्मू एंड काश्मीर ऑक्यूपाइड द पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वे। मतलब आसम में, आसम के एरिया हम लैंड यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वहां पे सब क्या है माउंटेन्स है। जम्मू काश्मीर और चाइना के आपका पाकिस्तान चाइना है, उन्होंने हमारा एरिया कवर कर लिया है सर्वे लेकर जम्मू काश्मीर में। तो रिपोर्टिंग एरिया 100% कैसे है, फॉरेस्ट एरिया कैसा है, बैरन एंड कल्टिवेटेड एरिया कैसे है, तो लुक एट द फिगर 1.4, आप 1.4 में आप देखते हो। तो द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज ऑल्सो डिक्रीजेस, एंड दिस हाउ आर द फील्ड ऑफ द, वॉट आर द कंसिक्वेंट इन ऑफ इट। तो कैसे है ये लैंड पैटर्न इन इंडिया, कैसे हमारे लैंड इंडिया में यूज करते हैं, जैसे कि अलग अलग फॉरेस्ट के लिए अनकल्टिवेटेड एरिया, परमानेंट पास्चर्स, एरिया अंडर मिस क्रॉप्स के लिए, ग्रोस के लिए कल्टिव, कल्चरेबल वेस्ट फॉलो एंड करंट फॉलो एंड नॉन सोन एरिया। नेक्स्ट है ये दो फिगर से आपको समझ में आएगा ये। तो नेक्स्ट टाइप है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो वी हैव शेयर आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन। 95% ऑफ द आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, 95% क्या है जरूरत है, फूड की जरूरत है। आप देखते हो ना लॉकडाउन में हमें क्या जरूरत है, खाना पीना फूड बराबर है, खाना पीना मतलब फूड की जरूरत है, शेल्टर क्लोथ क्लोथ तो रहना ही पड़ेगा। तो फूड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन एंड लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स, एंड
the basic needs of food, shelter and clothing. These often from land, human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forest and caused damage to land. तो आदमी मतलब जो पीपल से वो अलग अलग वजह के लिए क्या कर रहे हैं, लैंड को डैमेज कर रहे हैं. एंड दिस देर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया. अप्रोक्सिमेटली 28% ऑफ द बिलोंग टू द कैटेगरी फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया एंड 56% एरिया इट वॉटर इरोडेड. लुक एट दिस फिगर, 56% water eroded area, forest degraded area is 28%, saline and alkaline land is 6% and wind eroded area 10%. And then mining sites of abandoned after excavations work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. For example, states like that, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, and this deforestation to mining, the cause several land degradation. These different states in different area and different activities, it causes of the land degradation. Deforestation of proper management of grazing can help to some extent planting of shelter beds of plants, control on over grazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes, some of the method of check the degradation in arid areas. So ye degradation hame kya karna chahiye, rokna chahiye. Proper management of waste lands, controlling of mining activities, proper discharge and disposal, industrial effluents, waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas and save the land. And next session we have dekhenge soil resources. Soil as a resources. So is bare mein kuch bhi aapko doubt hai तो मुझे कॉल कीजिए, स्क्रीन पे दिखा दिए नंबर, स्क्रीन पे दिखाया है उस नंबर पे कुछ भी डाउट, मैथ साइंस एनी सब्जेक्ट का कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लीजिए, हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं.